सो व्हाट इज दिस टर्म? दिस इज द मैक्सिमम लाइकलीहुड फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल ऑफ एम आई, स्मॉल एल ऑफ एम आई. सो एंड जनरली क्योंकि बिकॉज हेयर इज द एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो वी हैव टू, फॉर सिंप्लिसिटी वी विल टेक लॉग, ठीक है. सो वी विल टेक लॉग. सो जनरली इट इज गिवन बाय लॉग ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड फंक्शन. सो ये जो कैपिटल एल ऑफ एम आई है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम लाइकलीहुड फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है. उसका हम लॉगरिथम निकालेंगे. सो विच इज द मैक्सिमम लाइकलीहुड फंक्शन. सो एल ऑफ एम आई इज द कैपिटल एल ऑफ एम आई इज जनरली नोन एज द मैक्सिमम लाइकलीहुड फंक्शन, ठीक है. एंड इफ यू टेक द लॉग ऑफ दिस स्मॉल एल ऑफ एम आई, ठीक है. सो हमारे पास जो ये जो कैपिटल एल ऑफ एम आई है, दिस बेयर 1:1 रिलेशनशिप विथ स्मॉल एल ऑफ एम आई, ठीक है. जो वैल्यू जो एल ऑफ एम आई है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ एल ऑफ एम आई, स्मॉल एल ऑफ एम आई विद द फंक्शन लॉग. जो वैल्यू एम आई के हद में, वही कैपिटल एल ऑफ एम आई के हद में, ठीक है. आई इक्वल टू 1 है तो यहाँ भी आई इक्वल टू 1 रहेगा. 2 के लिए 2 एंड सो ऑन, एन के लिए एन, ठीक है, एम के लिए एम, ठीक है. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन 10 एंड 11, ठीक है, वी कैन डिफाइन एल ऑफ एम आई इज इक्वल टू सिर्फ दिस, सिर्फ ये रहना एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंट में जो है, विच इज 1/√1/n0 समेशन जे इक्वल टू 1 to n एक्स जे माइनस एस आई जे, ठीक है. बाकी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अगर इफ यू टेक द लॉग ऑफ दिस इक्वेशन 10, ठीक है, तो क्या रहेगा, एन माइनस एन बाय टू एल एन ऑफ पाई एन जीरो माइनस 1/n0 समेशन जे इक्वल टू 1 to n एक्स जे माइनस एस आई जे होल स्क्वायर, ठीक है. उसमें जो इसके अलावा जो टर्म्स है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर जे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है. सो वी कैन इग्नोर इट. पूरा यहाँ पर सबके सब कॉन्स्टेंट है, एन जीरो भी कॉन्स्टेंट है, कैपिटल एन भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, सब कॉन्स्टेंट है, ठीक है. तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. तो हमारा जो मेन मैक्सिमम लाइकलीहुड फंक्शन है वो क्या है, 1/-1/n0 जे इक्वल टू 1 to n एक्स जे माइनस एस आई जे होल स्क्वायर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम यूज करेंगे कहाँ पर, अभी हमारा जो अगला स्टेप है विच इज मैक्सिमम लाइकलीहुड डिकोडिंग, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है. इसको हम यूज करेंगे रिसीवर के लिए, ऑप्टिमम रिसीवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, अभी जो चीज आई है ये है, ठीक है. नाउ मैक्सिमम लाइकलीहुड डिकोडिंग, ठीक है. अभी हमने मैक्सिमम लाइकलीहुड फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है. नाउ अभी मैक्सिमम लाइकलीहुड डिकोडिंग, अगेन मैक्सिमम लाइकलीहुड डिकोड मतलब ऑप्टिमम डिकोडिंग, ठीक है. ऑप्टिमम मतलब एक्सेलेंट, ठीक है. तो वही मैक्सिमम लाइकलीहुड डिकोडिंग है, ठीक है. अभी हम क्या बता रहे हैं, देखो हमने जो सिग्नल सेंड किया है, ठीक है, तो नॉइस क्लाउड की वजह से आपको जो सिग्नल हमने एस आई ऑफ टी भेजा था, उसमें जो वैक्टर्स है एस आई, ठीक है, एस आई वैक्टर्स जो है, हमको एस आई ना मिलते हुए आपको क्या मिला, क्योंकि यहाँ पर जो नॉइस है, ये इसमें नॉइस ऐड हो गई, तो वो सिग्नल इधर उधर हो गया, ठीक है. तो आपको जो रिसीव्ड सिग्नल पॉइंट है वो एस आई का नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, एक्स, ठीक है. तो आपको जो रिसीव्ड सिग्नल आ रहा है, मैं स्टार्टिंग में बताया था नॉइस की वजह से, जो चैनल में जो नॉइस थी उसकी वजह से वो सिग्नल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इस जगह नहीं मिलेगा, वो आपको इधर मिलेगा, कोई मतलब इट विल गेट पेंडर, ठीक है. उसकी अपनी पोजिशन चेंज कर देगा बिकॉज ऑफ द चैनल नॉइस, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये पूरा का पूरा जो चैनल नॉइस है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले सकता है वो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चैनल नॉइस. ये जो नॉइस मतलब चैनल नॉइस जो है, उसको हमने नाम दे दिए नॉइस क्लाउड है, ठीक है. नॉइस क्लाउड की वजह से उसमें नॉइस ऐड हो गई, ठीक है. सो वी विल रिसीव द सिग्नल एक्स ऑफ टी, विच इज इसके जो टर्म्स है, विच इज वेक्टर एक्स, ठीक है. हमको ऐसा ही ना मिलते हुए क्या मिला, आपको एक्स मिला, ठीक है. नाउ तो हमने भी क्या बताया, अभी हमको जो सिग्नल मिलेगा वो क्या रहेगा, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉइस, हमको जो सिग्नल मिलेगा वो एक्स मिलेगा, ठीक है. सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, सो वी कैन स्टेट दैट द गिवन ऑब्जर्वेशन वेक्टर एक्स परफॉर्म अ मैपिंग विथ वेक्टर एक्स टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ एम बार, ठीक है. एम बार ये मतलब ये क्या रहेगा, हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल एम आई है, ट्रांसमिटेड सिग्नल एम आई है, ठीक है, और रिसीव्ड सिग्नल कौन सा, एम डैश, ठीक है, एम डैश, ठीक है. जिस तरह सिग्नल हमारा एस आई ऑफ टी रहेगा और रिसीव्ड सिग्नल एक्स ऑफ टी रहेगा, वो सिग्नल टाइम के फॉर्म में है और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, मैसेज के फॉर्म में, चीज वही है, ठीक है, चीज वही है, लेकिन हमने अभी मैसेज के फॉर्म में लिखे, ठीक है. सो इट विल मैपिंग फ्रॉम वेक्टर एक्स टू एन एस्टिमेट ऑफ एम डैश ऑफ द ट्रांसमिटेड सिम्बॉल एम आई इन अ वे दैट इट वुड मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर,
ठीक है, हमने जैसा बताया अभी ऑप्टियम रिसीवर में कम से कम क्या रहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ठीक है। सो इट दैट